भाई फायर बोल्ट वालों ने एप्पल वॉच का छोटा भाई लॉन्च कर दिया है, फायर बोल्ट रिंग। ये वॉच हमने ली थी 4,300 रुपये में, अब मैंने देखा तो इसका प्राइस 5,000 रुपये था, जो ऑफकोर्स हर कंपनी करती है, शुरुआत में सस्ता दिखाओ बाद में फिर महंगा कर दो। और इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स है, जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर है, SPO2 सेंसर्स, सारे ही सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बट क्या वो सही में काम करते हैं या सही में अच्छे और यूज़ करने लायक है, वही चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो ऊपर आपको विक्की भाई का फोटो दिखेगा, मस्त वॉच का फोटो दिखेगा, पीछे की स्पेसिफिकेशंस है। उसके बाद बॉक्स के अंदर आपको आपकी वॉच मिलेगी, पोगो पिन का चार्जर मिलेगा, वारंटी कार्ड एंड मैनुअल देखने को मिल जाती है। मैनुअल भाई काफ़ी मोटी है। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। भाई फायर बोल्ट की रिंग और एप्पल वॉच 99% सिमिलर दिखती है, दूर से देखोगे तो 100%। भाई बहुत ज़्यादा सिमिलर वॉचेज है। वैसे ही यहाँ पे आपको स्क्वायर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साइड में क्राउन देखने को मिलेगा, साइड में यहाँ पे एप्पल वॉच में बटन है, इसमें बटन नहीं है। इसमें माइक भी दिया गया है, स्पीकर सेटअप भी है, जैसे एग्जैक्टली सेम आपको एप्पल वॉच पे देखने को मिलता है। बट मैं ये चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज ये लोग ने एक अच्छी चीज़ कॉपी की है, अगर कॉपी भी की है तो। डिज़ाइन के बारे में बात करो, पूरा मेटल बॉडी आपको देखने को मिल जाता है 5,000 रुपये के अंदर के प्राइस ब्रैकेट में, कॉलिंग फीचर के साथ मेटल बॉडी। आप ही सोचो, अच्छा खासा डिज़ाइन देखने को मिला है, डेफिनेटली अच्छी है। हाँ एक प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी ज़्यादा ना जाड़ी है, ठीक है मुझे इतना बड़ा कोई इशू नहीं हुआ, बट डेफिनेटली थोड़ा सा लुक्स के वाइज में बात करूँ तो एकदम स्लीक नहीं बोल सकता, थोड़ी सी जाड़ी है। बैंड का क्वालिटी में देखूँ तो काफ़ी अच्छा है, सिलिकॉन है, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। भाई ये जो क्राउन है ना, ये घूमता नहीं है, ये सिर्फ एक बटन का काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसका डिस्प्ले। 1.7 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है, 240x280 का रेजोल्यूशन है। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे सही में अच्छा लगा, काफ़ी शार्प डिस्प्ले, आप इजीली टेक्स्ट रीड कर सकते हो। ब्राइटनेस लेवल्स की बात करूँ तो धूप में भी अच्छा खासा दिख जाता है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट ना, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आपको शेड लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्राइटनेस लेवल्स भी अच्छे हैं। 5 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस मिल जाते हैं तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। इस वॉच का टच भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगा है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ ना भाई, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब भाई बजट वॉचेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लैगी UI, बट वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ UI है, स्क्रोलिंग काफ़ी स्मूथ लगी मुझे इस वॉच में, तो डेफिनेटली आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा। अब बात कर लेते हैं वॉच फेसेस। भाई सबसे पहली बात, बहुत सारे वॉच फेसेस ना एप्पल से इंस्पायर्ड है। अगेन मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ कॉपी की है। वॉच फेसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 वॉच फेसेस रहेंगे आपके वॉच के ऊपर, एंड डाफिट का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से और वॉच फेसेस डाल सकते हो वॉच पे। एक चीज़ मुझे आपको बताना था, जब आप नया वॉच फेस कोई सेट करते हो ऐप के थ्रू, यहाँ पे वो चीज़ इंस्टेंट है। इंस्टेंट मतलब एक टैप किया, फट से यहाँ पे वॉच फेस चेंज हो गया। ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा सही है। अगर हम बजट वॉचेस को देखते ना, वहाँ पे वॉच सिंक होने में, नया वॉच फेस सेट होने में कम से कम 30-40-50 सेकेंड लगते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टैप पे हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फायरबोल्ट ने बहुत ज़्यादा तगड़ा काम किया है। अब बात करते हैं इस वॉच का सबसे मेन हाइलाइटिंग फीचर, कॉलिंग। यहाँ पे आपको माइक एंड स्पीकर सेटअप देखने को मिल जाता है। सो जैसे ही आप होम स्क्रीन से लेफ्ट की तरफ जाओगे, आपका फ़ोन पेज खुल जाएगा। सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड, जो आपके सारे ही कॉल रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। एक डायल पैड है जहाँ पे आप कीपैड है, वहाँ पे आप नंबर डायल कर सकते हो। एंड तीसरा कॉन्टैक्ट्स। तो डाफिट के ऐप में आप 8 फेवरेट कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके रख सकते हो, वो डायरेक्टली आपको वॉच पे दिखेंगे, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो बिना नंबर डाले। और भाई अगर मैं इस वॉच का स्पीकर बताऊँ, क्या फाड़ू स्पीकर दिया भाई, बहुत ज़ोर से बजता है। मतलब भाई ये एप्पल वॉच है और इससे ज़्यादा ज़ोर से ये बजता है, और मुझे ऐसे कोई साउंड डिस्टॉर्शन भी नहीं लगा, आप आराम से सामने वाले की आवाज़ सुन सकते हो। एंड मैंने बाइक के ऊपर भी इसे ट्राई किया है, माइक एंड स्पीकर सेटअप बहुत अच्छा काम कर रहा था। सरप्राइजिंगली मुझे ऐसा लगा कि भाई सही में पैसा वसूल है ये वॉच इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग। सो भाई वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुँचने में हेल्प करो। अब बात कर लेते हैं सेंसर्स का एक्यूरेसी। भाई मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, एप्पल वॉच इसको बेसिकली एक किंग माना जाता है फिटनेस में। SPO2 बोलो, हार्ट रेट बोलो, या वॉकिंग पीडोमीटर सेंसर बोलो, सारी चीज़ों में ये बेस्ट है। यहाँ पे मैंने जब इन दोनों को कंपेयर किया, मुझे फेयरली सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिले दोनों में ही। SPO2 की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, बहुत सिमिलर, मतलब मेरे हिसाब से 1-8% का ऊपर नीचे फ़र्क था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने देखी हार्ट रेट में, कि वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। मैक्सिमम इंस्टेंसेस पे तो मुझे एग्जैक्टली सेम हार्ट रेट आ रही थी दोनों में, और फ़र्क भी आ रहा था ना, तो 1-2 का ही ऊपर नीचे आ रहा था, कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं था। स्टेप्स एक्यूरेसी की मैं बात करूँ तो मैंने दोनों में ही अप्रॉक्सीमेटली गिन के 200 स्टेप्स चलाओ भाई, गिन के। और इन दोनों की मैं बात करूँ ना, तो हार्डली 10 या 12 स्टेप्स का फ़र्क था इन दोनों में।
सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स भी ये फायरबोल्ट की वॉच काफ़ी सही काम कर रही है। अब एक छोटा सा डाउट है मेरे पास जिसके लिए मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ। मैंने आज तक जितनी भी वॉचेस टेस्ट की है उसमें SPO2 सेंसर में ना पीछे रेड लाइट जलती है। जितनी भी वॉचेस है मेरे पास अभी स्टूडियो में सारों में रेड लाइट है, बट इसमें ग्रीन लाइट जलती है। मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ कि ग्रीन लाइट से SPO2 कैलकुलेट होता है क्या। और दूसरा डाउट, जब मैं इस वॉच में SPO2 और हार्ट रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ वो एक ही सेंसर से, सेम सेंसर से वो ग्रीन लाइट दे रहा है, मतलब कोई अलग सेंसर से ग्रीन लाइट नहीं आ रही है। जैसे एप्पल वॉच बात करो या कोई दूसरी वॉच बात करो, वहाँ पे ग्रीन लाइट हार्ट रेट के लिए एक अलग सेंसर देता है, रेड लाइट एक अलग सेंसर से आती है। वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली, वो एक ही सेंसर दोनों लाइट दे रहा था। इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हूँ कि ग्रीन लाइट से SPO2 होता है क्या, एंड अगर होता है देन फाइन, बट नहीं होता है तो ये एक प्रॉब्लम है। मैंने बहुत रिसर्च किया बट मुझे थोड़ा सा अनश्योरिटी है इस बात पर। और एक चीज़ अच्छी ये लगी कि भाई जब आप वॉच नहीं पहनते हो, वॉच आपने ऐसी रखी है हवा में, तो ये आपको हवा का हार्ट रेट और SPO2 नहीं बताएगा। 2-3 फर्जी वॉचेज मेरे पास पड़ी है जो बताती है। ओके, मेन्यू ऑप्शन एंड UI की बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे स्वाइप किया, आपको एक छोटा सा कंट्रोल सेंटर खुलेगा जहाँ पे कॉलिंग को आप ऑन ऑफ रख सकते हो। ब्राइटनेस कंट्रोल, यहाँ से 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस है। अच्छा एनिमेशन भी देता है वहाँ पे जो मस्त लगता है। वेदर कंट्रोल्स है, एक लिस्ट मेन्यू है। इसमें एग्जैक्टली सेम एप्पल वॉच जैसा आपको ऐप मेन्यू दिखता है, वो बबल मेन्यू दिखता है एप्पल वॉच में, और ये लोग उसको हनीकॉम मेन्यू बोलते हैं। आइकन्स भी सेम है, और उसको अगर आपको लिस्ट व्यू में देखना है तो उसको आप लिस्ट व्यू में यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पे एक आई बटन है जो बेसिकली वॉच का इन्फो देता है, एंड एक सेटिंग्स आइकन है। सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो फिर से आपको ब्राइटनेस दिखेगा, 5 लेवल ब्राइटनेस है, मैंने जैसे बताया आप चेंज कर सकते हो। फिर आप फ़ोन का फीचर ऑन कर सकते हो, कॉल रीसेट है, शेक ऑन है, डू नॉट डिस्टर्ब, थिएटर मोड, डायल स्विच, मतलब वॉच फेसेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है सेटिंग्स के अंदर। फिर भाई हम राइट से लेफ्ट गए तो वही फ़ोन दिखेगा, म्यूजिक प्लेयर दिखेगा, स्टेप्स दिखेंगे, स्लीप दिखेगा, HR दिखेगा, SPO2 दिखेगा, वेदर दिखेगा। स्लीप ट्रैकिंग भी इस वॉच का मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लगा है, मतलब मेरे स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगा काफ़ी हद तक एक्यूरेट है ये वॉच। कैमरा कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो, बट आपको डाफिट ऐप यूज़ करना है, वहाँ से कैमरा कंट्रोल होता है। म्यूज़िक कंट्रोल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वॉच पे भी गाने बजा सकते हो। फर्स्ट भाई मतलब ये चीज़ मुझे दूसरी वॉचेज में देखने को नहीं मिली, और भाई इसका स्पीकर एक असली स्पीकर जैसा है, बहुत ज़ोर से बजता है, तो शायद आपको मज़ा आ जाए। अब बात कर लेते हैं डाफिट का ऐप। ऊपर आपको स्टेप्स दिखेंगे, स्लीप दिखेगा, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, आउटडोर रनिंग, ये सारा डेटा आपको फ्रंट मेन स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इसमें कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी देखने को मिलती है जो बहुत सही है। वॉच की सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे अलार्म्स है, शटर है, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स है, जैसे बताया आप 8 सेट कर सकते हो। अदर्स में आपको और सारी चीज़ें मिलेगी जैसे फाइंड माई डिवाइस है, टाइम फॉर्मेट, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ। फायरबोल्ट क्लेम कर रहा है 8 दिन का बैटरी लाइफ, बट दैट इज विदाउट कॉलिंग। और भाई मेरे यूजेस पे जहाँ पे मैंने दिन में 4-5 कॉल लिए एंड बाकी नॉर्मल कंटिन्यूस हार्ट रेट और ये सारी चीज़ ऑन थी, मेरा रिजल्ट था 1.5 डेज के आसपास की बैटरी लाइफ, मतलब दिन का 60-70% का यूजेज लगा मुझे मेरा। तो डेफिनेटली सेकेंड डे पे मुझे इसे फुल चार्ज फिर से करना ही पड़ेगा, या एटलीस्ट 70-80% करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा दूसरा दिन निकालेगी। एंड दैट वॉज विदाउट स्लीप ट्रैकिंग। अगर आप स्लीप ट्रैकिंग इसमें ऐड करते हो तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये वन डे वॉच है, वन डे के ऊपर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप बोलेंगे भाई कंपनी वाले हमको पागल बना रहे, वैसे नहीं है, ये एप्पल वॉच, इसमें भी सारे ही फीचर्स है। और ये वॉच मेरी 1.5-2 दिन के ऊपर नहीं चलती है जब मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद रखता हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू रखता हूँ तो इसका भी यूजेज ऑलमोस्ट 70% हो जाता है पर डे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉलिंग के कारण बैटरी लाइफ में बहुत बड़ा हिट आता है। बट अगर आपको कॉलिंग फीचर नहीं यूज़ करना है तब आपको थोड़ी सी अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी मेरे हिसाब से 3 दिन के आसपास। जो कंपनी 8 दिन क्लेम कर रही है ना, मेरे हिसाब से वो आपको नहीं मिलेगा। और जनरली सारी वॉचेज इसमें कॉलिंग आती है ना, उसमें आपको अच्छी बैटरी लाइफ नहीं देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं IP रेटिंग। यहाँ पे आपको IP67 का मिलेगा रेटिंग, 68 नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा डीप वाटर में जाते हो। आपको वाटर डैमेज ना IP68 वाली वॉचेज पे भी देखने को मिल जाएगा। मेरी एक वॉच पड़ी है जो IP68 है एंड 2 बार स्विमिंग आया और वो ख़राब हो गई। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा वॉच पहन के स्विमिंग मत करो, एंड कर रहे हो तो वो आपका रिस्क है, कंपनी वहाँ पे वारंटी नहीं देती है। सिर्फ फायरबोल्ट नहीं, कोई भी कंपनी आपको वारंटी नहीं देगी इस मामले में। ओके, फाइनली क्या आपको फायरबोल्ट रिंग लेनी चाहिए 5000 में?
मेरे हिसाब से 100% हाँ, अगर आपको कॉलिंग फीचर की ज़रूरत है तो, क्योंकि इसका कॉलिंग फीचर भाई गिमिक नहीं है, सही में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर आप एक थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड बैटरी लाइफ से ठीक हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको इशू नहीं आना चाहिए। बट आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली आपको वो कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलेगा, फिर आपको नॉन कॉलिंग वाले वॉचेस में देखने को मिलेगा जो आपको मिल रही है ऑलरेडी। मैंने आपको बताया और रेड लाइट सेंसर को लेके मैं थोड़ा सा अभी भी स्केप्टिकल हूँ। अगर मुझे उसके बारे में कुछ डेटा मिल जाता तो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1,00,000 पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।